अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो आज की वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करने। एंड पे आप लोगों के साथ पीसी की सेटिंग, एमुलेटर कौन सा यूज करता हूँ और क्या क्या सेंसी रेड डॉट सब शेयर करने वाला हूँ, तो मिस नहीं करना कोई भी पार्ट। बाकी आज का गेम प्ले भी एंड लेवल गया है, तो एंड तक देखना है भाई, मजा आने वाला है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर करके वीडियो को भी अभी से लाइक कर दो। ओके, हम लोग एरेशनल की साइड उतरे थे और वहां से हम लोगों को लेवल 4 का वेस्ट हेलमेट और अच्छी गने मिली थी, जैसा कि यूएमपी के साथ कार ऊपर की साइड। यहां पे एक बंदा मिला है, इसको सबसे पहले पकड़ते हैं और अगर इसको मारते हैं तो भाई जीएमओपी हो जाना चाहिए आज। कमेंट में पैक कर लिया है। ओए 112 को क्या रेड नंबर लगे हैं भाई यूएमपी के, और यहाँ पे MP40 भी पड़ी थी तो मैंने MP40 उठाना बेहतर समझा। बाकी थोड़ी सी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर लेता हूँ अगर आप एक पीसी प्लेयर हो तो। देखो पीसी के अंदर ना आप लोगों की एक्स एंड वाई तो आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ट्विक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। काफी अच्छी ट्विक्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो एंड वाला पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना। हो सकता है बीच में भी आप लोगों को कुछ ऐसी ट्विक्स बता दूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, तो बीच में भी कोई पार्ट स्किप नहीं करना। एक ट्विक तो नॉर्मल होती है, जैसे कि डिफॉल्ट होती है 16450, यानी कि 16450, ये होती है डिफॉल्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्विक्स हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और इनमें से कुछ ट्विक्स तो ऐसे हैं जो कि पेड हैं, बाकायदा उसके लिए पैसे भरे गए दिए गए, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ पीसी की सेटिंग है वो तो नेक्स्ट कभी बनाऊंगा तो A to Z एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी जो एमुलेटर की सेटिंग है ना इस गेम के अंदर वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कुछ 2 से 3 आप लोगों को ट्विक्स भी शेयर करूंगा। एक किल गाइस यहां पे डन था, टीममेट्स मर जाते तो मैंने सोचा सबसे पहले इन टीममेट्स को रिवाइव करा दिया जाए, बट मशीन पे आए तो चेक करो भाई 400 वाला ही करा देते हैं इन लोगों को। पीछे बंदे आ गए, पहले रिवाइव भाई क्रोनो लगा के, क्रोनो की स्किल जो है ना हम लोगों को यहाँ पे मिल गई थी। बाकी ये जो बंदे हैं ना गलत बंदे पे रश कर रहे हैं, और इनका अंजाम टिकटॉक पे अगर आप लोग जानते हो या देखते हो तो पता होगा। ओके 2 से ज्यादा बंदे हैं, मेडिकेट वगैरह मार लेते हैं सुपर वाली। बंदे तगड़े लग रहे हैं भाई, इनकी ड्रेसिंग चेक करो। नहीं यार, इन लोगों ने घेर के मारा है भाई, ये गलत बात है, बट कोई ना भाई, यहाँ पे अल्ट्रा प्रो है तो भाई अपना रिवाइव करना बनता था, और जब रिवाइव होके आएंगे तो फिर से धुलाई करेंगे। अभी तक 40+ लाइव है, ग्रैंड मास्टर लॉबी थी तो गाइज अगर एक बंदा मरता है तो बाकी टीममेट्स उसको रिवाइव करा देते हैं, तो ये काफी अच्छा सीन था एक हैंड से, क्योंकि आप रैंक जो है ना माइनस होने से बचा सकते हो। बाकी रिवाइव होके लूट वगैरह करके मिलते हैं। ओके गाइज, लूट वगैरह हम लोगों ने अरेशनल की साइड आए थे तो यहाँ से करने की ट्राई करी, बट यहाँ पे भी एक बंदा पहुंच गया है, तो सबसे पहले भाई ये बंदा जो फ्री में भाई सस्ते नशे कर रहा है इसको पकड़ेंगे, और इसको पकड़ के भाई मोड़ दिखाना बनता था क्योंकि एमए पंगे ले रहा था। अच्छा हेडशॉट लगा है, बट हमारे पास वेस्ट जरूर है लेवल 4 का, लेकिन मेडिकेट और हेल्थ। ओए गोकू को क्या हेडशॉट लगे भाई, इसके पास भी हेलमेट अच्छा था, कंफर्म हो गया क्योंकि इसको पता था सामने वाला बंदा अच्छा है और इसको इमोट दिखाया गया है। डूबड़ी हरकतें जो करते हैं ना फिर उनको इमोट दिखाना लाजिम हो जाता है। ओके गैस, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। एक पेड ट्वीक मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो गैस पेड ट्वीक ये है कि 4 लाख आप लोगों ने टाइप करके ना 4 के साथ 5 सिफर, उसके बाद एंड पे आप लोगों ने 10 लिखना है, यानी कि 10, ये एक पेड ट्विक है गाइस। और इसके साथ आप लोगों ने एक्स वाई काफी अच्छा रखना है, यानी कि पहले अगर ओए यहाँ पे बंदा जिसको काफी अच्छे हेडशॉट लगे हैं तो एक्स एंड वाई जो है उसकी सेंसी थोड़ी हाई रखना है। भाई ये नूबड़ी लड़कियां ही रश करी जा रहे हैं जीएम पे, भाई इनको पता नहीं है। कैनात इससे पहले भी एक थी, उसको भी हम लोगों ने मारा है, तो 2 किल यहाँ पे हम लोगों को मिले हैं, तो इसके साथ 4 किल यहाँ पे जरूर डन हो चुके हैं। बाकी अभी तक लाइक नहीं करा, अगेन लाइक कर दो। एक पेड ट्विक मैंने शेयर कर दी है, बाकी एंड तक देखना है, और भी मैं आप लोगों के साथ ट्विक शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता रहा हूँ। CS रैंक के लिए ये ट्विक बहुत तगड़ी है, अगेन शेयर कर देता हूँ। 4 लाख लिख के ना एट द एंड आप लोगों ने 10 लिखना है, यानी कि 4 लाख और उसके बाद 5 सिफर के बाद आप लोगों ने 10 टाइप करना है, 4, 5, 0 एंड एट द एंड आप लोगों ने 10 टाइप करना है, तो ये होगी एक अच्छी ट्विक। बाकी यहाँ पे चेक करो 4 किल डन हो चुके हैं, 30 बंदे अलाइव थे, एक बंदा सामने उतर गया है। जी हाँ, मुर्शिद को यहाँ पे काफी अच्छे यहाँ पे स्कार के हेडशॉट लगे हैं, तो 5वां किल भी यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। ओए भाई इसका डिब्बा हम लोगों ने तोड़ ही दिया है, क्योंकि डिब्बे को आजकल तोड़ना पड़ता है तब जाके आप लोगों को अच्छी लूट मिलती है।
और इस साइड पे एक बंदा जो है ना गाड़ी लेके आया था, उसको भी पकड़ेंगे भाई, रिवाइव कराने के लिए शायद जा रहा था, ये रहा, कहाँ पे भाग के जाएगा भाई, भाग गया भाई। इसकी मिशा की स्किल लगी हुई है, अगर मिशा की स्किल नहीं होती तो इसका मरना कंफर्म था। बट कोई ना, लॉन्च पैड है, इसको लेके चलते हैं सामने की साइड और वहां से भाई पकड़ेंगे। अभी 5 किल डन है, 34+ अलाइव है, तो 5-6 किल तो आराम से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इस लॉबी के अंदर। इस साइड पे शायद बंदा हो सकता है, बट कोई ना, यहाँ पे अल्ट्रा प्रो को किसी ने नॉक करा, तो पीछे की साइड ही चलते हैं और उसको पकड़ते हैं जिसने इनको नॉक करा है, वूकोंग बना है। ओनली बॉडी स्प्रे भाई यहाँ पे देखने को मिली एक बंदे को, और इसके साथ 6ठा किल भी कंफर्म हो चुका है। ओके, एक बंदा भाई मोसर ट्रक की साइड लेके आ रहा है अपनी साइड, जिसको अच्छा हेडशॉट लगा है, बट भाई 18 का हेडशॉट अच्छा तो नहीं बोलेंगे, रेंज ज़्यादा थी, ऊपर से मिशा की स्किल, उसके बंदे के पास हेलमेट बहुत अच्छा होगा, इसकी वजह से उसको हेडशॉट बहुत ही कम पड़ा है, टोकन बहुत ज़्यादा थे। ओहो, इसको इमोट दिखाएंगे भाई, ये अभी मारा है और ये दोबारा रिवेंज लेने आया था मर के हम लोगों से। टोकन की तादाद बढ़ के 2800 हो चुकी है और 7वां किल भी यहाँ पे मिल चुका है। बंदों की बात करें 34 अलाइव है और यहाँ पे अल्ट्रा प्रो को रिवाइव नहीं करा गया भाई, यही दिक्कत होती है रैंडम टीममेट्स की भी, भाई अपने प्लेयर को रिवाइव ज़रूर करा देते हैं बट दूसरे का नहीं सोचते। बट कोई ना, यहाँ पे हम लोगों ने तो भाई करा दिया 7 किल, 34 बंदे अभी अलाइव हैं। ऊपर की साइड भी टावर पे शायद एक आधा बंदा घूम रहा था, कैंप पर, कैंप पर भाई अगर कैंप करके भी मर जाए तो इनके ऊपर तो भाई एंड लेवल। लो, एक और बंदा आया था, मिशा की स्किल के बगैर भाई मेरे सामने गाड़ी लेके दोबारा नहीं आना, ये बोल रहा था कि कैंप पर अगर कैंप करके भी मर जाए तो उनके भाई लानत है भाई ऐसी गेम पे। ये क्या कर रही है डाकू, नाम तो लड़कों वाला है बट थी तो ही नहीं है डाकू, ये लड़की लग रही थी। और इसके साथ गैस 9वां किल भी हम लोगों को मिल चुका है, तो भाई 8-10 नॉर्मल किल होते हैं हमारे हर गेम के अंदर। उस ट्विक्स भाई बिल्कुल, एक और यहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, देखो 16450 है नॉर्मल ट्विक, इसके शुरू में आप लोगों ने लगाना है 8080, यानी 80-80 लिख के। उसके बाद एक और गोल्डन ट्विक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोगों ने शुरू में टाइप करना है 8080, उसके बाद 16450 जो कि डिफ़ॉल्ट है, और उसके बाद 50 की जगह आप लोगों ने 8 टाइप कर देना है, यानी कि 80 80 16458। ये काफ़ी अच्छी ट्विक है अगर आप एक वन टैप प्लेयर हो, बट मैं ये यूज़ नहीं करता, जो मैं यूज़ करता हूँ वो एंड में बताऊँगा आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगा, खुद ही देख लेना कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। अभी भी जोन की साइड पूरा स्क्वाड अलाइव है, इनको पकड़ेंगे, एक नॉक हो चुका है बट हम लोगों ने नहीं करा, चलो किल ही चोरी करा है भाई, 10 किल यहाँ पे डन हो चुके हैं, अपना स्क्वाड यहाँ पे पूरा अलाइव था तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि हम लोग यहाँ से भुया लेंगे। ओए, ये बंदा भाई सोमर आए, क्या डैमेज दिया इस बंदे ने, इसका मरना बनता था हमारे हाथ से। टीममेट्स एक तो चला गया है, कंफर्म हो गया है नॉक फिनिश। अभी भी बंदे यहाँ पे ऊपर की साइड अलाइव है, बट अल्ट्रा प्रो ने भाई यहाँ पे 4 की वेस्ट निकालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टोकन लगा दिए। इसकी ग्लूवॉल तोड़ते हैं, इसको मारते हैं सबसे पहले, गया किंग माफिया यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होने के बाद 11 किल मिल चुके हैं अपने को। और अगर बात करें ग्लूवॉल तोड़ने पे जो 40 का डैमेज मिलता है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक मेडिकेट या एक गोली से जो बच जाते थे, ग्लूवॉल तोड़ो खुद ही मर जाते हैं। अब एक बंदा तो इस साइड पे, और सामने की साइड भी बात करें तो ग्लूवॉल वाली साइड पर पूरा स्क्वाड शायद घूम रहा है। आए, ये हेडशॉट भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, कभी कभी एम जा नहीं रहा था अच्छे तरीके से, सामने वाले ने बहुत डैमेज दिया है। एक और यहाँ पे नॉक पड़ा है, चलो शेडो का किल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, इसके साथ 13 किल यहाँ पे गाइस डन होते हैं और 12 बंदे अलाइव हैं। इसके बाद भाई किल नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा जोन काट रहा था, डैमेज दे रहा था, सामने की साइड पूरा स्क्वाड आ रहा था, जिनके पास भाई स्काइलर की स्किल नहीं थी। चलो इन्होंने एक दफ़ा तो नॉक कर दिया, अल्ट्रा ने एक दफ़ा तो रिवाइव करा दिया ग्लूवॉल डाल के, बट भाई उनके पास ऐसी गने थी भाई, ग्लूवॉल टिकने नहीं दे रहे थे, ऊपर से स्काइलर वगैरह मारे जा रहे थे बार बार वो भी। ओके, अल्ट्रा यहाँ पे अगेन नॉक है, लकड़ी की साइड भाई जाके कवर लेने की पूरी ट्राई करी, बट इन लोगों ने अगेन भाई यहाँ पे नॉक दिया है काफी गंदे वाला हम लोगों को फिनिश, क्योंकि नॉक होना तो बनता ही नहीं था, हर साइड से ये लोग रश करने के लिए आ रहे थे इस बंदे को। अच्छा हेडशॉट, बट अगेन जोन इतना डैमेज, और ये बंदा रश के लिए आया तो कुछ इसने डैमेज दिया कुछ जोन में,
यहाँ पे हम लोग मर जाते हैं, बाकी मैं सेटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ट्विक्स वगैरह के साथ। अच्छा गैस, आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं इन गेम सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे जनरल वगैरह चेक कर लो, तकरीबन सब के सब जीरो ही हैं, और स्नाइपर का जो स्कोप है वो 2 पे रखा हुआ है, बाकी तमाम जीरो कर रहा होता हूँ। वैसे 10 के बीच भी कोई नंबर मैं कभी कभी रख लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जीरो ही रहता है, ये सब जीरो। और इसके बाद अगर कंट्रोल वगैरह देखना है तो देख लो, और कस्टम एचडी के भाई यहाँ पे चेक कर लो, कस्टम एचडी के ये आप लोग खुद ही देख लो। और यहाँ पे कीज वगैरह भी मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ, कंट्रोल रेट पे जाओ और ये चेक कर लो भाई की वगैरह मैंने कौन से लगाए हुए हैं। और ट्विक्स जो मैंने आप लोगों को बतानी थी वो ये है मेरी ट्विक्स भाई, चेक कर लो। एक्स एंड वाई भी चेक कर लो, 4-3 है और 2-3-9 है। उसके बाद भाई ट्विक्स है 80-80-16-4-50, ये मेरी ट्विक्स है, काफ़ी अच्छी अपडेट के बाद ये ट्विक्स इस्तेमाल हो रही हैं। बाकी पोजिशन एक्स वाई की देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो भाई अगर नहीं लिया तो, आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी। और इसके बाद हम लोग चलते हैं भाई थोड़ा ब्लू स्टैक इस तरफ। ब्लू स्टैक भाई लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ, अपडेट करता रहता हूँ मैं। यहाँ पे चेक करते हैं अपडेट आई है कि नहीं। हाँ अपडेट आई हुई है, ये अभी अपडेट कर लूंगा। वैसे चेक करता रहता हूँ मैं कौन सी अपडेट आई है, कब आई है। बाकी यहाँ पे चेक करो, परफॉर्मेंस हाई 4 कोर है, और यहाँ पे कस्टम करके 1200 यानी कि 12,000, सॉरी 1200 बोल रहा हूँ, 12 GB रैम इसको दिए, हाई परफॉर्मेंस और FPS वगैरह 250 250 नहीं 240। इसके बाद डिस्प्ले 9080 है, और DPI चेक कर लो, 399 DPI भाई मस्त है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास एक थोड़ा सा भी अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो ये मस्त है आपके लिए। और ग्राफिक रेंडर OpenGL है, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। और फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ एप्पल का iPhone 14, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ये वाला भी। वैसे कभी कभी नेट का इशू आता है, काफ़ी लोग इस पे SSROG 2 भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अभी के टाइम मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को सेटिंग अच्छी लगी होगी, अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कर लेना है, और हाँ लाजमी से सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन करना है।